कांग्रेस संवैधानिक तरीके से कोर्ट से लेकर सड़क तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल जी है। शक्ति जी, पहले तो संसद सदस्यता रद्द की गई और अब आप लोग कह रहे हैं कि मोर्चा खोला जाएगा कानूनी तरीके से, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। देखिए, साफ बात है कि राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान पे है, लोकतंत्र खतरे में है, अदानी मोदी मिलके देश को लूट के मलाई खा रहे हैं, वो स्लोगन ही नहीं लोग भी समझ रहे थे। तो पार्लियामेंट में उनका बोलने का अधिकार था और लोकसभा में राहुल गांधी का सामना नरेंद्र मोदी या भाजपा नहीं कर पा रही थी, तो एक साजिश के तहत हुआ है। आप ये तो समझ लीजिए, कर्नाटका में 2019 में बोले, उसका ज्यूरिडिक्शन सूरत कहाँ लगता है? स्पेशल केस में करना है तो भी कानून में 202 का सेक्शन है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या इसका इम्पैक्ट सूरत में है, तभी हो सकता है। हमारे एडवोकेट ने जजमेंट्स दिए कि साहब बिना इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हो। पहले जज में ठीक नहीं लगा तो अपनी कंप्लेन के खिलाफ ही वो जाके स्टे ले आए, फिर स्टे वापस लेके, तो ये सारी मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट जो इसमें हो ही नहीं सकता है। पर 2 साल करे तो सदस्यता जाए, क्योंकि ये सामना नहीं कर पा रहे। पर राहुल गांधी जी ना डरे हैं ना डरेंगे। कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था, लेकिन जिस दिन वर्डिक्ट आया उसके अगले दिन सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको लेकर भी आप लोग चैलेंज करेंगे? देखिए, सारा गलत तरीके से हो रहा है। अमरेली के सांसद है इनके नारायण भाई काछड़िया, 13 अप्रैल 2016 में उनके खिलाफ एक केस था कि एक दलित डॉक्टर को मारा, गालियां दी, एट्रोसिटी का केस, 3 साल की उसको सजा हुई, हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला, सदस्यता खत्म करो उसके लिए वहां के लोगों ने लिख के दिया स्पीकर को भी और इलेक्शन कमीशन को, पर कोई कुछ नहीं किया और हफ्तों का टाइम उसको दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आए, तब तक इसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। और राहुल गांधी जी की तुरंत, इसका मतलब ये है कि ये डरते हैं इनसे तो ये करते हैं। हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज का प्रभार है आपके पास, हरियाणा में किस तरह से आंदोलन देखने को मिलेगा? हरियाणा नहीं, पूरे देश में जनता का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद साथ में है। लोगों की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसके बीच जाएंगे, हम करते रहेंगे। लोगों को जाके आप लोग, चूंकि कई हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं भी चल रही हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं? ज़रूर ज़रूर, सारी बातें लोगों के बीच होगी। हमारे इस प्रोग्राम के साथ साथ ये मुद्दा महत्व का रहेगा। तो हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल जी हमारे साथ थे। शक्ति सिंह गोयल का कहना है कि हरियाणा समेत पूरे देश में राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसको जनता तक लेके जाएंगे, ताकि जनता को पता चले कि राहुल गांधी की आवाज़ दबाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है।